तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम दीपक कुमार और मैं आपका अपने इस चैनल डीके फाइनेंस नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल के लिए फिर किसी भी चीज़ के लिए अपना जीमेल आईडी कैसे बनाए। दोस्तों जीमेल आईडी को ही ईमेल आईडी भी कहा जाता है। काफ़ी लोगों की ये कन्फ्यूजन होता है कि ईमेल आईडी अलग है और जीमेल आईडी अलग है। नहीं, ये दोनों सेम ही होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हम ईमेल आईडी या जीमेल आईडी कैसे बनाएं और बड़ी आसानी से हम इसे बना सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लेट ना करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्द से जल्द। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। तो चलिए हम अपने मोबाइल के सेटिंग में जाते हैं। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपके आपको यहाँ पे मिलेगा अकाउंट्स एंड बैकअप का ऑप्शन होगा। हो सकता है आपके मोबाइल में खाली अकाउंट लिखा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे खोजेंगे सेटिंग में कि कहाँ है अकाउंट का ऑप्शन। तो ये हमारा अकाउंट का ऑप्शन आ गया, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद मैनेज सेटिंग में जाना है। मैनेज अकाउंट में ऊपर में दिख रहा होगा, इसमें आपको जाना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी जीमेल आईडी होंगे उसमें आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट में आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम ऐड अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख नीचे दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल लिखा होगा, ठीक है, गूगल में आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वेरीफाई होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा मोबाइल प्रोसेसिंग हो सकता है, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसे होने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, इसी में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे फर्स्ट में जो दिया है फॉर माई सेल्फ, इसी में आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आपका नेम होगा इस नेम को आप यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है दोस्तों यहाँ से, इस तरीके से। चलिए हम डाल लेते हैं, तो यहाँ से हम लास्ट नेम अपना डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे बटन में क्लिक करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका जेंडर हो, फेमेल या फीमेल, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना जीमेल नेम डालना है, जो भी आप नेम डालना चाहते हैं, जिस भी आईडी से आप बनाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। अगर वो नहीं होगा तो आपको फिर से ट्राई करना होगा दोस्तों। अगर सेम नाम से बना होगा तो ये सेम नाम से नहीं बना होगा, अगर पहले किसी ने इसी नाम से बनाया है तो वो नहीं होगा। नीचे आपको यहाँ पर शो करेगा दोस्तों कि आपको अगर इस नाम से आप इसको चूज़ कर सकते हैं आप, तो उस तरीके से आपको तो देखिए दोस्तों यहाँ से इस नाम से बन चुका है, तो ये इस नाम से नहीं बनेगा। नीचे एक ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए कि इस नाम से आप बना लीजिए। तो आप क्या करें दोस्तों, आप थोड़ा इस नाम को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि आप दूसरा आपका जो जीमेल नेम है वो बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर इस नाम से भी इसमें दिखा रहा है कि मैंने कुछ नंबर डाले हैं, तो इसमें भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं कुछ और नंबर डाल लेता हूं ताकि ये ईमेल आईडी बन सके। तो यहां पे हमारा दोस्तों जो ईमेल आईडी वो एक्सेप्ट हो गया है, वो नेम एक्सेप्ट हो गया है। अब यहां पे हमको अपना पासवर्ड डालना है दोस्तों, पासवर्ड बना लेना है। आप भी अपना पासवर्ड बना लें जिसमें नंबर सिंबल सभी हो जाए। तो हमारा पासवर्ड बन चुका है दोस्तों, यहाँ से हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। बनने के बाद यहाँ पे आपको SIM में क्लिक कर देना है दोस्तों, नीचे जाने के बाद, ठीक। उसके बाद आपको ये आपका जीमेल नंबर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको जीमेल अपना दिखाई दे जाएगा दोस्तों, जिस भी नाम से आपने बनाया होगा दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो जीमेल आईडी हमने बनाया है वो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जीमेल आईडी बड़े समय से बना सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो भी सवाल कॉमेंट्स में जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए टेक्निक के साथ।